कमांड है कि आप दूसरों के लिए ही जिएंगे, आप दूसरों के सुख शांति के लिए सोचेंगे, पर हित बस जिनके मन माही तिन ही जग कछ दुर्लभ नाही। विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा। आपका लक्षण अच्छा होगा तो आप विश्व उपकार के लिए आपका चित्त व्यग्र रहेगा कि किस तरह से मेरे इस हाथ से किसी की भलाई हो जाए, मेरे वचन से किसी को लाभ हो जाए, मेरे कर्म से किसी को लाभ हो जाए, मेरे हर क्रियाकलाप से दूसरों को लाभ पहुंचे, वही काम करेंगे। ये अच्छी बुद्धि वाले का लक्षण। आज देखिए संत महापुरुषों को क्या पड़ी है, कोई चीज की कमी थोड़े, पर दिन रात कष्टों को सहते हैं, संसार को समझाते हैं, हजार बात समझाते तो एक बात कोई समझता, उसको तो भी तो गुस्सा आता होगा कि भाई हम इतने समझा रहे हो, समझते नहीं तो छोड़ो झंझट। नहीं, उसका वो काम, दैट इज देयर ओन ड्यूटी एंड दैट इज वाई दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, बिकॉज दे थिंक द सर्विंग अदर्स इज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी फॉर द ह्यूमन बींग। मतलब वो समझते हैं कि दूसरों की सेवा ही सर्वोपरि सेवा, परमो धर्म, दूसरों की सेवा करना ही परम धर्म है। तो ये बुद्धि कहाँ से आती है? जब आप सत्संग भजन में जाएंगे तब ये बुद्धि आती है, या अच्छे संस्कार में पले बढ़े हैं तब ये बुद्धि आती है, और सेवा करते भी हैं। सेवा करने वाले को देखिए, कल के समय समयाभाव में मैं कुछ नहीं बताया, बहुत कुछ छूट गया। एक चंद्रवंशी राजा हुए थे महाराज रंतिदेव। रंतिदेव राजा ऐसे प्रतापी हुए कि प्रजाओं के लिए दिन रात सेवा किया करते थे, पर कभी समय खराब चलने लगता है, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, बड़े बड़े अमीर आदमी का फैक्ट्री बंद हो गया, बिजनेस चौपट हो गया, बेचारा सड़क पर आ गया। हम लोग तो किसान हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो बिजनेस व्यापार करके जीते थे, भाड़ा रेंट लेके रहते थे, पांच परिवार चलाते थे, उनका क्या हाल होता होगा। राज में अकाल पड़ा रंतिदेव के, तो महाराज राजा रंतिदेव के प्रजा भूखे मरने लगे। इन्होंने राजकोष में जितना धन था, खजाना, सब लुटा दिए प्रजाओं ने। इसके बाद खुद भूखे हैं परिवार सहित, तो कहीं से कुछ उपार्जन करके लाए, भोजन बना के खाने जा रहे थे, एक अतिथि आ गए, उसको उसी में से दे दिए, फिर एक चंडाल आ गया, फिर एक कुत्ता आ गया, इस तरह से कई आ गए। बाद में एक और आया, थोड़ा पानी था, सोचा इस पानी को पी करके काम चलाऊंगा, 49 दिन तक भूखे थे। वो पानी के लिए भी एक आदमी बोला, मैं कंठ सुकरा, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दे दो, तो वो पानी भी उसको दे दिए। तो ये ऐसे थोड़े होता, ये संस्कार था इसीलिए, नहीं तो हम लोग किसी के पास जैसे दे दी, कोई मांगने आ जाए, इतना जोर से डपटेंगे ना उसको कि भागेगा जी जान लेके, तुम्हारा हम ठीका लिए कि मरो बचो, हमको क्या मतलब, हमको भूख लगी, खाने दो। पर वो संस्कार था, दिव्य बुद्धि थी, दूसरों की कष्ट पीड़ा को अपना समझते थे, तो जैसे मांगा तो सब कुछ दे, और लगा इसको कि अब मर रहे कि तब मरे, ये हाल हो गई इसके जीवन का। उसी समय साक्षात भगवान प्रकट हो गए, धर्म देवता, कहते रंतिदेव तुम्हारा जस कीर्ति संसार में फैलेगा, तुमने अपने भूख की परवाह नहीं की, लोगों को अपनी जान प्यारी होती है, पर उन्हें नहीं, तुमने उसका परवाह नहीं करके, और तुमने दूसरों के लिए जीन नहीं सीखा, धन्य हो तुम्हारा जीवन धन्य। तो उसी समय रंतिदेव कहते प्रभु जब आप दर्शन दिए हो तो मुझे एक और वरदान दे दो तब जाना। भगवान कहते रंतिदेव तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मेरे वरदान का पिटारा खुला, मांगो क्या वरदान चाहिए। रंतिदेव कहते प्रभु मुझे वरदान दो कि दुनिया में जितने भी दुखी प्राणी हैं, जितने भी दुखी प्राणी हैं, उन सब के अंदर बैठ करके मैं सबों के दुख को एक साथ में अकेले भोगूं, सबके दुख को मैं अपना दुख समझ के उसको भोग लूं, उस भोगने की क्षमता हमको दीजिए, और हमारे अंदर जितने सुख है वो सब सुख संसार को मिले, यही वरदान दीजिए। तो ऐसे होते हैं दिव्य बुद्धि वाले। अब देखिए एक एक देश हमारा आजाद है, एक एक देश के दीवाने सीने ताने बॉर्डर पर खड़े रहते हैं राइफल लिए, वो जानते हैं कि एक गोली सीने को आर पार कर जाएगा, जीवन
खत्म हो गया, पर उसको भी पत्नी है, बच्चे है, माँ है, बाप है, सगे संबंधी है, मोह है, ममता है, सब आशा अरमान तो उसको भी है ना। पर सबको छोड़ करके सेवा के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं, ये दिव्य बुद्धि इसी को कहते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम कुछ भी तो प्रेरणा ले सकते हैं। अरे हम दूसरों के लिए मरे नहीं, लेकिन दूसरों के जीवन में कुछ भलाई तो कर सकते हैं। वीर भगत सिंह थे, जब अंग्रेजों ने, आक्रांताओं ने उसे फांसी का फरमान दिया, तो वीर भगत सिंह को थोड़ी देर में फांसी होने वाली थी, पर जल्लादों ने कहा चलो तुम्हें, तुम्हारी इच्छा क्या है अंतिम, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो जल्लादों ने वीर भगत सिंह को लेकर के उसके माँ उसके घर आ गए, पंजाब के थे वीर भगत सिंह, और उसकी माँ के सामने जब पेश किया गया तो उसकी माँ रोने लगी कि बेटा है, बड़ा हो गया। पर हर माँ के पास अरमान होती है ना, हम अपने बेटा का शादी करें, पुतहु लाएं, पोता हो, पोती हो, खेले धूपे, यही उस माँ के अरमान थे। विद्यावती, जैसे भगत सिंह को देखा तो भूल गई कि इसको फांसी होने वाला, इसके हाथ में बेड़ी हटकरी लगी, अब पूछने लगती है, ये भूल गई है सब, और कुछ और ही दिमाग में आ गई बात, अब पूछने लगती है कि बेटा भगत, तो इतने दिनों से कहाँ थे तुम, इतने दिनों के बाद आए हो, तुम्हें तो पहचान भी नहीं पा रही हूँ, तो बहुत बड़े हो गए हो। इसलिए बेटा भगत, मैं तो बूढ़ी हो गई, काम नहीं कर पा रही हूँ, तो तू मेरे लिए पुतहु कब लाएगा, तो अपना शादी कब करेगा। भगत सिंह कहते माँ तुम चिंता मत करना, हम शादी भी करेंगे और तुम्हारे घर पुतहु भी आएगी, दुल्हन भी आएगी, पर दुनिया वाले जो शादी करते उससे अलग शादी होगी मेरी। तो उसकी माँ और उतावला हो गई, कहती कैसी शादी होगी तुम्हारी। भगत सिंह कहते सुनो माँ, मेरी शादी में जो मैं बैठ के आऊँगा वो घोड़ा भी अलग होगा, और मेरी दुल्हन जो आएगी वो भी अलग होगी, और वो जो चुनरी ओढ़ेगी वो चुनरी भी अलग होगी, और लोग तो साधारण बाराती लेकर पहुँचते हैं, पर मेरी शादी में पूरी दुनिया बाराती देखेगी। तो उसकी माँ कहती कैसा होगा बेटा बता। भगत सिंह कहते आज़ादी की दुल्हन मेरी, आज़ादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़े, आ तेरे घर आएंगे माँ, दिन रह गए हैं थोड़े। उस विद्यावती माँ की आंखें डबडबा गई कि शायद मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाएगा, पर वो जानती थी कि मैंने बेटा को जन्म दिया है समाज के लिए, देश की सेवा के लिए, न कि स्वार्थ की सिद्धि के लिए। योगिनी थी, भक्तिनी थी, वो भी इधर उधर जाने लगी, दूसरे तीसरे पड़ोसी के घर, और वहां जा करके कहती कि बहनों चलो गीत गाने के लिए, मेरे भगत की शादी होने वाली है। पड़ोसी सब जानती थी कि इसके बेटे को फांसी होने वाली, और ये बेचारी दुख के मारे पुत्र के वियोग में ये पागली हो गई है लगता है। पर ये विद्यावती इधर उधर जाती है, और जैसे पड़ोसी कहती है कि तू क्या बात कर रही हो, तो विद्यावती कहती है सुनो मैं सही बात कर रही हूँ, देश में बर्बादी है, लाने माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाए मेरे भगत के साथ। ऐसी थी विद्यावती। जब भगत सिंह जाने लगे तो भगत सिंह कहते माँ यदि मुझे फांसी पे जल्लादों ने चढ़ा दिया तो समय तुम्हारे आंख में मैं आंसू नहीं देखना चाहता। विद्यावती कहती सुन बेटा, मैं ऐसे वैसे की माँ रहती तो जरूर रोती, छाती पीटती, परंतु मैं वीर भगत सिंह की माँ हूँ, इसलिए मुझे रोना नहीं आता। मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि भगत के माँ नहीं रोते। परंतु मेरा एक बात तुम ध्यान रखना कि जब उस अंग्रेज आता था या आक्रांता के द्वारा तुम्हें जल्लादों के द्वारा फांसी दी जाएगी तो 7 दरवाजे के पार हम सब खड़े रहेंगे, और उस समय जब तुझे फांसी दी जाएगी तो तुम्हारे मुंह से इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगनी चाहिए कि 7 फाटक के बाहर वो मेरे कान तक आवाज आने चाहिए। और यही हुआ था,
जब वीर भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया तो इनकलाब जिंदाबाद की नारी लगी थी।